मिनट आयुष, मतलब वो मंगलसूत्र दी के लिए नहीं है? 100% नहीं है, ये मंगलसूत्र उसके लिए है वो जो उस एड्रेस पे रहती है। अरे आयुष ये तो फिर अच्छी बात है ना, ये मंगलसूत्र दी के लिए नहीं है मतलब ये विक्रांत दी को माई लव वाई लव नहीं बोल रहा था, किसी और को बोल रहा होगा, अच्छी बात है ना ये तो। भाभी के लिए नहीं है तो किसके लिए? कोई और है क्या? और अगर कोई और है तो कौन है? क्या विक्रांत की कोई गर्लफ्रेंड है? ये माई लव वाला मंगलसूत्र वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा था? हाँ वो तुम जब मुझे अंदर मिले तो जैसे ही तुम निकले तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ गया, इससे तुम्हें दिखा नहीं होगा मैं। मतलब जब विक्रांत जी आए थे तब मुझे नहीं पता ना कि वो कब आए थे, तो मैं कैसे बताऊँ कि मैं तब कहाँ थी जब वो आए थे? आई नो एंड आई एम श्योर कि ये लक्ष्मी और ऋषि वहाँ साथ में ही थे उस डायमंड सेक्शन में। मुझे लक्ष्मी मिली वहाँ और विक्रांत को ऋषि, दोनों वहीं थे। ये इन दोनों की ही कोई चालाकी और बता नहीं रहे। नो इश्यूज, सच तो मैं पता करके ही रहूंगी। एक बार घर पहुंचने दो, खुद लक्ष्मी ही सब बताएगी। सारी ज्वेलरी की शॉपिंग कितने अच्छे से हो गई, रिंग हो गया, मंगलसूत्र हो गया, बाकी की सारी ज्वेलरीज भी हो गई, सब शादी का जोड़ा लेना बाकी है। आप चिंता मत करो मॉम, वो भी हो जाएगा, एक दो दिन में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ है तो और बताओ, वो भी कर लेंगे। हाँ हाँ, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा ना मैं तुझे बताती जाऊंगी, पर आज की शॉपिंग ना वाकई में बहुत अच्छे से हो गई। क्यों है ना सलोनी? सलोनी, सलोनी। हाँ हाँ माँ। अरे काम कोई हुई है? माँ मैं उनके बारे में सोच रही थी, लक्ष्मी और ऋषि के बारे में। ओह तो तुम्हारी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है बेटा। कहाँ अटकी हुई है आपकी सुई? इसे ना ऋषि और लक्ष्मी को लेकर कोई भ्रम हो गया है। भ्रम क्या, गलत फहमी हो गई है। अरे आपको किस बात की गलत फहमी हो गई है? बेटा इसे लगता है कि ऋषि और लक्ष्मी के बीच में कोई रिश्ता है। हाँ है ना, हाँ, है ना। क्या डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।